AR-57 में हमने जाना था नील हैरिसन के बारे में, जो दुनिया के पहले साइबर आर्टिस्ट हैं और इसी के साथ साथ वो कलर को सुन सकते हैं और आवाज़ों को देख सकते हैं, और वो ऐसा किस तरीके से कर पाते हैं ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूंगा। ये इमेज आप देखिए और क्या कमाल की इमेज है, कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी कलरफुल लग रही है। लेकिन अब मैं इसे कर देता हूं ब्लैक एंड व्हाइट। अब आपको कैसा लग रहा है? अब अगर आपको हमेशा के लिए यही दो कलर दिखाई दे जिसे ब्लैक एंड व्हाइट बोला जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? जैसा आपको इस वक्त में लग रहा है वैसा ही लग रहा था 1984 में जन्मे नील हैरिसन को, जो आयरलैंड में पैदा हुए थे एक रेयर विजुअल कंडीशन के साथ में, जिसको बोला जाता है एक्रोमोटोप्सिया, जिसमें आप टोटल कलर ब्लाइंड होते हो, आपको सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होता है जैसे 90s का टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें एक कलर नहीं होता था, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट होता था, मतलब जिंदगी इनकी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। अब जैसे तैसे इनकी ज़िंदगी इसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट गुजर रही थी, लेकिन 2003 में कॉलेज के दिनों में इनकी मुलाकात हुई कंप्यूटर साइंटिस्ट एडम मोंटेंडॉन, पीटर कैसी और मार्शियल लिजाना से, जिनके साथ में मिलकर इन्होंने ये खास तरीके का डिवाइस बना दिया जो आज इनके सर में इम्प्लांट किया गया है। लेकिन जब बात आई इम्प्लांट करने की, तो बायो इथिकल कमिटीज़ की वजह से इनके सर में किसी भी डॉक्टर ने इसे इम्प्लांट करने से मना कर दिया। लेकिन कहीं पे किसी ऐसे डॉक्टर से इन्होंने ये लगवा लिया जिनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, उन्हें एनोनिमस ही रखा गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिवाइस किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आई, लेकिन ये है एक कलर सेंसर जिसके सामने जब कोई कलर आता है उस कलर को ये डिटेक्ट कर लेता है, जिसके बाद में ये सिग्नल भेजता है इनके सर के पीछे लगी हुई चिप को, जो एक अलग तरीके की साउंड फ्रिक्वेंसी पैदा करती है जो एक स्पेसिफिक कलर के लिए ही होती है, जो इनको सुनाई देती है बोन कंडक्शन के द्वारा। और अब आपको थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं कुछ साउंड की फ्रिक्वेंसी चला देता हूँ उनके कलर के साथ में, और आपको फिर मालूम चलेगा कि वो कैसे सुनते होंगे। तो ये तो सिर्फ बहुत ही थोड़ा सा एक एग्जांपल था कुछ कलर का जो मैंने अभी आपको सुनवाया है, लेकिन वो इससे कहीं ज़्यादा सुनते हैं डेली बेसिस पे करीबन 15-16 सालों से, और उनको अब आदत हो चुकी है इस चीज़ की, और वो आराम से डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन से कलर की फ्रिक्वेंसी कौन सी है। अब ये कोई डिवाइस नहीं रह गया है इनके लिए, बल्कि ये इन्हीं की एक बॉडी का पार्ट बन चुका है, जिसकी वजह से ये दुनिया के पहले साइबॉर्ग बन चुके हैं, और पासपोर्ट तक में इनकी ये इमेज लगाई गई है जो किसी को अलाउड नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ में पासपोर्ट में अपेयर नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये इन्हीं की बॉडी का पार्ट है इसी वजह से इनकी पासपोर्ट में फोटो इस डिवाइस के साथ में है। और अब बात करते हैं कि ये साउंड को किस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने इतनी सारी साउंड फ्रिक्वेंसी याद कर रखी है अपने दिमाग में कि अब इनको मालूम है कि किस कलर के लिए कौन सी साउंड फ्रिक्वेंसी है, और जब कोई आदमी इनके सामने कुछ बोलता है या फिर कहीं पे कोई गाना चल रहा होता है उसमें कुछ फ्रिक्वेंसी होती है साउंड की, कई बार वो ऐसी आ जाती है जो एक कलर से मैच करती है इनके लिए, तो इनको वो एक कलर दिखता है, तो मतलब दिमाग में एक कलर याद आ जाता है कि अरे ये तो उस कलर की साउंड फ्रिक्वेंसी थी। तो इसी तरीके से जब कोई गेम लगा लो, मारियो की कोई गेम हो गई टें, तो उसमें काफ़ी सारी साउंड फ्रिक्वेंसीज हो गई और वो एक इमेज बना डालते हैं कि हाँ ये इस फ्रिक्वेंसीज के लिए कुछ ये इमेज है, इसमें ये कलर है वो कलर है, ये सारी मिला के जो एक पिक्चर बनती है इनके दिमाग में वो कुछ इस तरीके की होती है, तो इस वजह से ये साउंड को भी देख पाते हैं उनकी फ्रिक्वेंसीज जब ये समझ पाते हैं तो। और इसी के साथ साथ ये जो डिवाइस इनके सर पर लगाया गया है ये इतना ज़्यादा लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे मोबाइल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं ब्लूटूथ के सहारे, वाईफाई से ये इंटरनेट पर कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये कॉल भी अटेंड कर सकते हैं अपने इसी डिवाइस से। इसी के साथ साथ इनका जो मोबाइल होता है उसमें जो एप्लीकेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज की गई होती है, जिसकी वजह से इनका वो डिवाइस उन एप्लीकेशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनके लिए बढ़िया हो जाती हैं मोबाइल में भी।
तो ये है नील हैरिसन, जिन्होंने अपनी वीकनेस को ही अपनी पावर बना दिया है और दुनिया आज इनको इनकी वीकनेस के लिए नहीं बल्कि इनकी पावर के लिए जानती है। दुनिया के पहले साइबर आर्टिस्ट हैं जो आज कलर को सुन लेते हैं, आवाज़ों को देख लेते हैं और ऐसा शायद कोई नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ ये अपने डिवाइस के साथ में सैटेलाइट तक से कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और अगर इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।